पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है, पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच पुलिस तक है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अंकिता लोखंडे को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पर वहीं भी आपको बता दिया जाए सुशांत के जाने के बाद क्यों आखिरकार बॉलीवुड की हालत खराब हुई, और जिसमें सलमान खान को जहां पर एक धमकी मिली थी उसके बाद अब एक पंजाबी सिंगर को भी धमकी मिल गई है उसी शख्स के द्वारा। कौन है वो बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया जाए सबसे पहले कि जिस तरीके से सुशांत राजपूत वाला मामला हुआ था उसके बाद देखा गया कि जो अंकिता लोखंडे थी उनको लेकर कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए थे। अंकिता लोखंडे जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, अंकिता लोखंडे जिन्होंने सुशांत के जाने के बाद शादी करी अपने बॉयफ्रेंड विक्की जैन के साथ, पर कहा जा रहा है कि जब से दोबारा बिग बॉस 17 के अंदर उनको देखा गया तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि वो अपने पति के साथ बिग बॉस में पहुँचती हैं और उनके पति भी बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट बन के आए हैं, और बोला जा रहा है कि अंकिता लोखंडे जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, और आखिरकार कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने एक बार ये बोला था कि जो इनको फिल्में मिली थी इन्होंने सुशांत की वजह से फिल्में छोड़ दी हैं। तो लोग कह रहे हैं भैया फिल्में फिर आपको अब क्यों नहीं मिल रही हैं? सुशांत के जाने के बाद पवित्र स्टार 2 आया, फ्लॉप हो गया। उनके जाने के बाद कहा जा रहा है कि इनको काम नहीं मिला, अब कहा जा रहा है कि बिग बॉस ऐसा शो इनको मिला है जिस शो में तो यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है इसकी बात हम नहीं करेंगे, पर ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। पर इसके बीच में आपको बता दिया जाए अंकिता लोखंडे को बिग बॉस 17 के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जी हाँ, और बोला ही जा रहा है कि वो अपनी पूरी जो उनकी पेमेंट होती है, मतलब कोई वीडियो शूट करने की, फिल्म करने की, या फिर कोई गाना हो या फिर कुछ भी एडवर्टीजमेंट हो, वो सब लिखा हुआ है कि अंकिता लोखंडे इतना इतना चार्ज करती हैं। अंकिता लोखंडे की नेटवर्थ करीब बताई जा रही है 25 करोड़ के आसपास। सोचिए 25 करोड़ के आसपास इनकी पर ईयर की इनकम बताई जा रही है। अब देखने वाला विषय यहाँ पर ये है कि अंकिता लोखंडे के ऊपर सवाल कब उठे थे जब सुशांत केस हुआ था। सबसे पहला सवाल इनके ऊपर उठा था कि जो अंकिता लोखंडे हैं वो दिशा को नहीं जानती हैं, इनकी फ़ोटो सामने निकल के आती है। सुशांत के लेकर इन्होंने कई सारी बातें बोली, कुछ बातें अच्छी बोली और कुछ बातें ऐसी बोल दी जिसके बाद इन पर भी सवाल उठाए थे कई सारे लोगों ने। अच्छी बातों में इन्होंने बताया कि सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे, वो डिप्रेस नहीं हो सकते हैं, वो बहुत आगे की सोचते थे, 5 साल के प्लान लिख कर रखते थे और उन प्लानों को पूरा भी करते थे। पर आज कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही है, जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये अपने आप में कई बड़े सवाल उठाते हैं कि आखिरकार अंकिता लोखंडे अब क्या बदल चुकी हैं, अब बिग बॉस का पार्ट बन चुकी हैं, सलमान खान के साथ शो कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या अंकिता लोखंडे अब बदली हैं क्योंकि अब वो यूट्यूबर्स के साथ काम कर रही हैं बिग बॉस के अंदर। बिग बॉस में तो यूट्यूबर आते हैं, बिग बॉस में तो वो आते हैं जो लोगों को फिल्म नहीं मिल रही थी, जो लोगों के पास काम नहीं था उनको उठाकर बिग बॉस में ले आते हैं, जिनकी इमेज अच्छी करनी होती है उनको लेकर बिग बॉस में आ जाते हैं कुछ लोग। तो अब यही सारे सवाल उठ रहे हैं। पर इसी के बीच एक और बात करें तो सलमान खान को लेकर आपको याद होगा कुछ खबरें निकल के आई थी हाल ही में कि सलमान खान एक पार्टी में दिखते हैं तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा दिखती है तो लोग सवाल उठाते हैं। हाल ही में तो उनकी आने वाली फिल्म टाइगर 3 आने वाली है, पर इसी के बीच आपको याद दिला दिया जाए सलमान खान को एक धमकी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा। जब वो धमकी मिली थी तब पूरे देश में हड़कंप मच गया था, सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, पर अब कहा जा रहा है कि जब से सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहे हैं उनके जाने के बाद अब फिर से एक पंजाबी सिंगर को धमकी मिल चुकी है। ये मिली है जैस्मिन संधू को, जी हाँ, जैस्मिन संधू जो कि कहा जा रहा है कि बेहतरीन सिंगर है पर साथ में वो सिद्धू मूसेवाले की क्लोज भी हैं। सिद्धू मूसेवाले के जाने के बाद कहा जा रहा है कि जैस्मिन संधू ने कई सारे सवाल उठाए थे जिन्होंने सिद्धू के साथ गलत किया, और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि जैस्मिन इस समय इंडिया टूर पर है, कई सारे सिटीज़ में जाकर वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, जहाँ पर वो दिल्ली पहुँचती हैं और दिल्ली पहुँचते ही उनको एक धमकी भरा कॉल आ जाता है जिसके बाद कहा जा रहा है कि हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार अब जैस्मिन संधू को क्यों ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं। और जैस्मिन संधू ने एक इंस्टा पोस्ट भी किया था जहाँ पर सिद्धू के एक गाने की लाइन लिखकर कुछ जवाब दिए थे लोगों को। तो अब अपने आप में सवाल उठते हैं कि आखिरकार जैस्मिन संधू जैसी बड़ी सिंगर को भी धमकियाँ मिल रही हैं, ऐसा उनका कहना है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि पहले हमने देखा था कि जो यहाँ पर सलमान खान थे उनको मिली, हाल ही में देखा कि शाहरुख खान जो थे उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई
उनको भी कुछ धमकियों को लेकर शिकायत थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी, उनको शायद वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप सामने निकल के आ रही हैं, पर इनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकिता क्या अब पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, इंडस्ट्री की हो चुकी हैं, या फिर लोग जिस तरीके से सवाल उठाते हैं वो सवाल उठाने सही हैं या गलत हैं। आपको जो कुछ लगता हो अब अपने राय कमेंट्स रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। और आपसे अपील करेंगे हमारे दूसरे चैनल सागर बोला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी।